नमस्कार, जय गुरुदेव। तो जय आज हमारी गुरुदेव। उस श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है, दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं आलोक जी और रत्ना जी। ये बहुत सुंदर कपल हैं, अपने आर्ट ऑफ लिविंग में करीब 10-11 साल से जुड़े हुए हैं, और मैं इनसे को पर्सनली बहुत बार मिला हूँ, इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। इनकी बिटिया ने भी हमसे कोर्स किया हुआ है, तो पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, और हम आपका एक बार इस श्रृंखला में स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं जी आलोक जी, रत्ना जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कैसे किया, कैसे आपको पता चला आर्ट ऑफ लिविंग के जय बारे में? जय गुरुदेव। जी मैं शुरुआत से ही स्पिरिचुअल उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता था और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो उनसे मुझे एक तड़प ऐसी रहती थी कि जीवन में ज्ञान तो ठीक है, लेकिन एक ग्रोथ के लिए लाइव गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी। तो तड़प रहती थी, तो उन्हीं से प्रार्थना करते थे कि कैसे हम लाइव गुरु मिलेंगे और इस मार्ग में मेरी प्रगति होगी। क्योंकि तो मैं बैंक में कार्यरत हूँ, मैं जी प्रोसेसर हूँ एक बैंक में, वाइस जी प्रेसिडेंट लेवल पे हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लाइफ में एक गोल ये रहता है कि जो भी मेटरलिस्टिक या जितने भी फाइनेंशियल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है होती है तो फिर ह्यूमन बर्थ का कोई मतलब नहीं है। ठीक कह रहे तो हैं। उसके लिए लाइव गुरु होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हनुमान जी की प्रेरणा से 2009 में मेरे साथ एक घटना हुई कि मुझे स्वप्न में एक बुक पढ़ने के बाद गुरुदेव की, उस टाइम श्री श्री रविशंकर जी के नाम से ही बोलते थे उनको, तो उनकी बुक है श्री श्री एज आई नो हिम करके, तो पढ़ा और ड्रीम में कुछ हैपन हुआ। फिर मैं सहारनपुर गया, वहां मैं उस टाइम पोस्टेड था, तो वहां वह कोर्स के बारे में जानकारी थी, तो मैंने टीचर से मिला। तो सारी चीजें जल्दी जल्दी सब आर्ट ऑफ लिविंग की एक साथ दो तीन चीजें हो रही थी, तो मुझे लगा कि डिविनिटी कुछ मैसेज दे रही है तो हमें उस पे आगे जाना चाहिए। तो फिर टीचर से जब बात हुई तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने स्वप्न में वो चीज बताई जो केवल हमें मालूम थी। वो मैं किसी से अभी भी शेयर नहीं करता अच्छा हूँ। अच्छा अरे वो मेरा वाह। एक नाम है जो उन्होंने, केवल गुरुदेव ने हमसे बोला हाँ और वो टीचर ने वही नाम बताया। तो ये बड़ा अद्भुत सा हुआ, हमें लगा कि इनको कैसे पता है वो नाम जब वो बोल हाँ रहे सही थे। बात है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये तो बड़ा ठीक है। तो एनीवे फिर उन्होंने कहा कि सुदर्शन क्रिया करिए। मैं तो बहुत उसका जो अनुभव था सुदर्शन क्रिया था कि फर्स्ट अनुभव जो है वो एकदम आपको लाइट फील होता है, मतलब इतना तक फील हुआ हमें कि एकदम बॉडी लेस मतलब हो जाता था। और मैं चूंकि ऑडिट डिपार्टमेंट और काफी वैसा जॉब मेरा बैंकिंग में बहुत फोकस वाला जॉब है, तो हमने ये देखा कि मेडिटेशन करने से जो चीजें हैं वो एकदम लाइट रहती है, तो आप लगातार 10-11 घंटे तक आपका जॉब बड़ा आसान हो जाता है। अगर बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है तो लोग कहते भी थे कि तुम 10 घंटे 11 घंटे एक ही उस पर बैठे रहते हो और तुम्हारा एक्सप्रेशन सेम रहता है, तो कैसे इतनी एनर्जी है वो। हमने कहा इसके पहले ऐसी एनर्जी नहीं थी मेरी, इसके पहले आई वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत सारी मतलब हमें थकावट हो जाती है, लेकिन ये मास्टर से जुड़ने के बाद ये सब चेंजेस आते हैं और लगातार मेडिटेशन और इस तरीके की चीजें जुड़ने से फायदे होते हैं। फिर उसके बहुत बाद की जो यात्रा है वो तो हमेशा ही बड़ी खूबसूरत रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु के आने से चीजें आपकी कठिनाइयां कम होती हैं, वो गुरु बल्कि और ज्यादा ही देते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ बहुत होती है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ग्रोथ उनको एक लाइव गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव के साथ ये है कि वो बहुत ही सहज हैं, मतलब उनकी कोई भी चीज जो है वो प्रदर्शन वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है वो बहुत ही नेचुरल वे में रहते हैं, तो वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। और सौभाग्य की वाइफ भी जो हमारी है वो भी सेम ही मास्टर से जुड़ी है, तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। बताइए आप रत्ना जी। जय गुरुदेव। रत्ना जी, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि नॉर्मली
पत्नी जो है वो एकदम सही जज होती है पति में हुए परिवर्तन का, है ना। तो जो सही। भी अभी आलोक जी ने बोला है, अगर आप बोल दें कि हाँ ये सब परिवर्तन हुआ है, तो सारे लोगों को भरोसा हो जाएगा। नहीं वाकई में बहुत बदलाव इनके अंदर फील हुआ है मुझे, जब शादी करके आए और उसके बाद इन्होंने उसके 3 साल बाद हम लोग एक तरीके से इन्होंने कोर्स किया है, तो चेंजेस तो आए इनके अंदर, ठहराव आया सबसे बड़ी चीज है। और बेसिकली जैसे है कि एनर्जी तो इनकी फ्लो रहती है जस्ट हमें इनके अंदर लग रहा है गुरु जी की ब्लेसिंग तो है ही सभी जगह है, उसको हम माप नहीं सकते किस रूप में आपके साथ वो कृपा चल रही है, कृपा दिखती है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती अच्छा, सीधे साफ आप दोनों में से बात पहले कोर्स किसने किया? है। हेलो जी ने हमने किया था अच्छा, कुछ पहले तो मेरी आप कब जुड़ी रत्ना जी, बेटी हुई है, आप कब जुड़ी कोर्स गुरु जी से? मैं एक्चुअली ये कहूंगी कि आई थिंक जब हस्बैंड जुड़ता है तो वाइफ जुड़ी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये जुड़ी है उसके 1.5 साल बाद मैं जुड़ी हूँ। मैं ऑलरेडी किसी और ग्रुप से जुड़ी हुई थी और शादी से पहले परमार्थ निकेतन ऐसे ही घूमने गए थे हम लोग, तो वहां पर गंगा जी के अच्छा, तट के किनारे खड़े, जो ऋषिकेश, जो ऋषिकेश में वहां परमार्थ निकेतन है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, ऋषि वहीं पे, तो मैं वहां घूमने गई तो वहां मैंने गुरु जी मतलब शिशि जी को देखा, वाइट कपड़े पहन के बहुत अट्रैक्टिव, और उस समय में मैं अनमेरिड थी, लेकिन ये लगा कि ये कौन है, इनकी क्या स्माइल है, मुझे नहीं पता था कि बाद में गुरु जी मुझे भी खींच लेंगे अपने पास तो एक मतलब फिर इनसे इन्होंने कोर्स किया, इन्होंने मुझे बोला कि मैं भी कोर्स कर लूं, मैंने किया, मुझे कोई ऐसा उसमें मतलब अच्छा लगा नो डाउट, क्योंकि सुदर्शन क्रिया के बाद आपके अंदर बदलाव फील होता है और तुरंत आपको एनर्जी भी फील होती है, शांति मिलती है, तो वो तो हमें लगा, बट ये कह लीजिए ना एक अंदरूनी अटैचमेंट मेरा नहीं हो रहा। तो एक बार सौभाग्य हुआ आश्रम जाने का मेरा, तो गुरु जी का 13 मई को बर्थडे था, मैं गई वहां पे, मैंने गुरु जी कहा कि मैं मुझे या तो अपने से पूरी तरह जोड़ो या मुझे डिटैच कर दो, मेरा नहीं हो पा रहा, मुझे अंदर एक अजीब सी उलझन तड़प थी, तो गुरु जी ने कहिए अंतर्यामी कहिए या कहिए जादूगर कहिए, उन्होंने मेरी निगाहों में एक ऐसा देखा है, मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग आई है कि उस दिन मैं आधा 1 घंटा रोई, ये क्या क्या हो गया, हमने कहा मुझसे बात मत करो, कि मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद से मेरा बिल्कुल जैसे मेरी फेथ एकदम 200% हो गया, और आज तक 10 साल हो रहा है मेरी लाइफ में, ये कि इतनी चीजें चेंजेस आई हैं, चाहे जॉब से लेके, इतनी सिटी में मैं रह के आई लेकिन इतना बड़ा परिवार तुरंत मिलता है आर्ट ऑफ लिविंग का, एक आपके साथ वो सपोर्टर के रूप में खड़े रहते हैं, फिर दूसरा जॉब की इनकी इतनी स्ट्रेसफुल जॉब रहती है, उसके बाद मेरे अंदर ये रहता है कि हाँ वो है ना बैठे हैं देख लेंगे, एक फेथ पूरा कंटिन्यूअस, हमारे बच्चे हैं मैं हूँ, लगातार लाइफ में इतनी ज्यादा स्मूथनेस आ गई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम भी आती है और उसको सोल्यूशन भी वही खोज के दे देते हैं सिंसियर से, हम जब भी बहुत परेशान होते हैं तो हम एक उनकी बुक है सिंसियर सीकर, जब ध्यान जी करके, मेरा 10 साल हो गया मेरा रिकॉर्ड, मैंने मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया छोड़ी नहीं, अरे वाह, बीच में एक आध बार हुआ होगा तो जी हाँ, तो जब भी मुझे कुछ भी दिक्कतें या जैसा कुछ होता है तो जैसे उनकी एक चाहे उनका नॉलेज शीट के रूप में या उनकी बुक के रूप में मुझे सोल्यूशन तुरंत मिलता है, या मेरी कुछ इच्छा भी होती है, मैं कभी ये नहीं कहती गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करिए, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी अगर मेरे लायक है, मैं इसके द्वारा मुझे कुछ उसका मेरे लिए सही है तो आप मुझे करिए, तो ऐसा ना ऐसा मतलब 80% ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वो सोल्यूशन गलत हुआ हो, हमेशा गुरु जी ने मेरे लिए वो सोल्यूशन निकाल के रखा है, और मेरा एक शौक था सिंगिंग का, आई थिंक वो आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू गुरु जी के थ्रू और निकल के आ गया, और मुझे उन्हीं की प्रेरणा या उनका आशीर्वाद ही कहेंगे, कि गाते थे थोड़ा बहुत लेकिन आई थिंक वो जो स्वर आए हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने के बाद ही एकदम वाह खिल के वाह, आ गया है, सब कहते बहुत ये अच्छे तो गाते हो, बहुत मैं कहती बढ़िया हूँ मैं बात, नहीं पता नहीं कैसे गाते बहुत बढ़िया।
सबसे अच्छी बात एक बात हम कहना चाहेंगे अगर एक मिनट के लिए समय हो तो एक बार हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि देखिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है और आप कितना भी लॉजिक लगा लीजिए और कितनी भी अच्छी बातें पढ़ लीजिए पॉजिटिविटी में बिलीफ होना एक चीज तो होता है कि उसको रट के मान लेना और एक प्रैक्टिकल रूप में देखना कि हाँ अच्छाई के साथ अच्छा हो रहा है और इसलिए हमें अच्छे पाथ पे जा लोग अच्छे रास्ते पे इसीलिए तो चलते हैं कि उसका या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फायदा होगा। लेकिन जिसका एनालिसिस तेज होता है वो ये देखता है ऐसा होता नहीं है, मतलब ज्यादातर आप लोग ये देखेंगे कि उल्टा बोलते हैं कि अरे अच्छे लोगों के साथ तो बुरा हो रहा है। तो इस तरीके का बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। गुरुदेव वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको हमने देखा कि जिनके साथ हो भी अच्छा रहा है और वो हमेशा अच्छा करते भी हैं। He is always on the right path and right things are happening. So, ये belief कि जैसे वो अच्छे रास्ते पे चल के हमेशा उन्होंने कोई भी आप कोई कितना भी मतलब इंटेलेक्ट लेवल कितना भी आए हमको एक चैलेंज करते हैं रिसर्च करके देख ले, लेकिन वो अनबायस्ड रिसर्च होनी चाहिए। वो देखे कि कितना मतलब आचरण में शुद्धता सब कुछ है और जो वो करते हैं तो इसी तरीके से हर चीज उनके खिलाफ मतलब उनके अनुकूल सारे लोग जो हैं सब उन्हें प्यार करते हैं और वो सब कुछ है। तो अच्छे रास्ते पे चलने से अच्छा होता है ये जो बिलीफ है ये जो मिला है कि गुडनेस में जो बिलीफ है वो मास्टर के होने से हो जाता है, नहीं तो प्रैक्टिकल में वो बिलीफ होना बड़ा मुश्किल है ऐसा मेरा मानना है। हमने लाइफ में तीन चीजें बेसिकली 10 साल में सीखी। एक उन्होंने कहा प्रेजेंट लाइफ में जियो, जो है उसको स्वीकार कर लो। तो जब कभी भी हम लोग का कुछ भी होता है हम कहते हैं ये गुरुजी ने बोला है ना कि जो है उसको स्वीकार कर लो तो लाइफ इजी हो जाती है। तो फर्स्ट लेसन है तो ये रियली वेरी मतलब लाइफ का एक फंडा गई है कि वो चीज हमने अपनी गांठ बांध ली कि ये चीज जो है वो बिल्कुल सही है। आप जो है उस चीज को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो झगड़ा या गुस्से की कोई जगह ही नहीं रह जाती। वो कहते हैं ना स्माइल। दूसरा एक चीज बताना चाहेंगे रत्ना के साथ बिकॉज बायोलॉजिकली इनके साथ रिलेटेड बहुत समस्याएं आती हैं। तो एक नजरिया तो ये है कि कोई ये कहे कि अरे वो आउट ऑफ मतलब इससे जुड़े होने के बावजूद क्या आती है, लेकिन कोई भी वो सारी फीमेल्स के साथ ज्यादातर आती क्योंकि उनके साथ इस तरीके की चीजें रहती हैं स्पेशली बच्चों के बच्चे होने के बाद। लेकिन चूंकि शी इज वेरी रेगुलर इन सुदर्शन क्रिया एंड हर बिलीफ इज वेरी स्ट्रांग, कोई चीज भगवान की दया से गुरु की कृपा से डीप नहीं जाती है तो आती है टच करती चली जाती क्योंकि जो कर्मा है या फिर कर्मा नहीं कहे जो आजकल का माहौल है वातावरण है तो वो चीजें तो अटैक करेंगी। लेकिन अगर आपका फेथ स्ट्रांग है और आप सही उस पे हैं गुरु से जुड़े हैं तो शी ऑलवेज स्माइल्स, मतलब मैंने इस चीज से देखा है कि वो इनका विश्वास हटता नहीं है। जुड़ा मैं जरूर पहले था और लेकिन कभी कभी जब कुछ होता है तो शी ऑलवेज सपोर्ट की नहीं वो नहीं हमें बैठे हैं तो एक दूसरे को हम लोग जो है वो इस तरीके से वो रहता है। ये बात है ना सही की है तो मेरे घर के जो मदर और दूसरे लोग कहते हैं तुम्हारे साथ इतनी बीमारियां आ गई हैं कि तुम मैं पूरी आधी डॉक्टर हो गई हो आई थिंक। लेकिन कोई भी चीज बस आती है और चली जाती, कोई अंदर ऐसी मतलब डीप कुछ नहीं होता है, कुछ बहुत ही छू के चला जाता है वो तो ह्यूमन बॉडी है वो तो आती रहती है। लेकिन आई थिंक सुदर्शन क्रिया करने से एक दिन भर की एनर्जी तो रहती है, बच्चों को भी संभालना खुद को भी संभालना मेंटली स्ट्रेस को भी हैंडल करना टोटल वो सारा चीजें लगातार मेडिटेशन लगातार सुदर्शन क्रिया से मजबूत होती है आपके अंदर कि कैसे आप इजली वे में उसको हैंडल कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे आपके साथ अगर शक्ति है जिसमें आपको ये लग रहा है वो हमें प्यार भी करती है और वो शक्तिशाली भी है, दोनों चीजें नहीं होती। या तो मदर फादर या कोई भी आपको लगता है मैं प्यार तो बहुत करता है ठीक है लेकिन काम नहीं आ पाता है कभी होने के बावजूद भी। और एक तरफ ऐसा है कि काम आते हैं लेकिन वो प्यार नहीं करते हैं। एक कोई ऐसी यूनिक चीज मिल जाए जिस जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमें नहीं लगता किसी लाइफ टाइम में अगर किसी को ये मिल जाए इससे बड़ी अचीवमेंट है कि वो आपको प्यार भी करता हो और वो शक्तिशाली भी हो या बोला जाए जिसके लिए चीजें संभव हो। तो वो मास्टर के साथ ये चीज होती है कि he loves you also and he has the potential
जिससे कि आप ग्रो कर सकें, आपको संभाल सकें, आपका साथ दे सकें। हम भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। दैट इज, ये तो है कि वी आर ब्लेस्ड, ऑल आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स टीचर्स आर सो मच ब्लेस्ड। पूरी दुनिया एक हम लोग की फैमिली बन जाती है, जहाँ जाते हैं इनकी बैंकिंग जॉब है, एक जहाँ जाओ मुझे आराम से ढाई परिवार मिल जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहने की बात नहीं आर्ट ऑफ लिविंग की, ये है एकदम रियली है। गुरुदेव को फॉलो करते हैं, उनके टीचर्स, उनके वॉलंटियर्स सब उस चीज को फॉलो करते हैं। तो आप जैसे खुश दिल और हंस मिजाज और हमेशा खुश रहने वाले, आनंदित रहने वाले कपल से मिल करके आज बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी हम अपने जो भी वॉलेंटियर्स हैं, जो डिवोटीज़ हैं, वो लोग भी अगर चाहते हैं मैं उनसे बात करूं, तो आप मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस कोर्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, जिस सुदर्शन क्रिया के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, अभी 2 जुलाई से फिर से ये ऑनलाइन सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। नीचे में लिंक दिया हुआ है इस मैसेज के साथ में, तो आप सब लोग उस लिंक के द्वारा 2 जुलाई के कोर्स के लिए अपने आप को फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात ये है कि इसमें गुरुदेव स्वयं भी एक सेशन लेंगे, तो 2 से 5 जुलाई के बीच में ये कोर्स होगा। आप सब लोग इस कोर्स को ज़रूर करें जिन्होंने भी नहीं किया है। तो जय गुरुदेव, मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रत्ना जी के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो गुरुजी की मुस्कान आपने देखी थी ना, वो आपके चेहरे पे आ गई है। आप कंटिन्यूअसली मुस्कुराते रही थी। ये बात तो सही है। She's always like that. मतलब वो है तो मेरे लिए एक बूस्टर के काम कुछ भी हो, मेरे लिए भी बूस्टर है। मैं भी जब उसका चेहरा देखते हैं तो हमेशा वो रहता है कि ये चीज है हमेशा। दैट इज द स्ट्रेंथ। ठीक जी, जय गुरुदेव। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।